सही तरीके से समझ लें तो दोस्तों हमें किसी किस्म का कोई खच्चा नहीं होगा, किसी किस्म की कोई परेशानी हो। जस्ट क्या है, कमी क्या है कि हम इस सिस्टम को सही तरीके से समझ नहीं पा रहे। तो दोस्तों आज फिनटोच आपके पास एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम लेकर आया है। जस्ट ज़रूरत है तो आपको इस इकोसिस्टम को समझने की ज़रूरत है। दोस्तों अभी आप देखेंगे तो फिनटोच ने आपके सामने एक हाई परफॉर्मेंस पब्लिक चेन लॉन्च कर दी है। जो लोग कह रहे थे कि ये बातें हैं, ये कुछ नहीं होने वाला, फिनटोच चेन कभी नहीं आएगा, बस ये ऐसा है, ये पैसा लेके भाग जाएगा, कुछ नहीं होने वाला, तो ऐसा ऐसा सबके मुंह बंद हो रहे हैं। आज आपने बैनांस के ऊपर भी देखा न्यूज़ कैसी ज़बरदस्त हो गई है, हर चीज़ की पॉजिटिव माइंडेड स्टार्ट हो गए हैं। कोई लोगों को जो लोग फट पिला रहे थे, इतने का फ्रॉड कर लिया, ये कर दिया, वो कर दिया, सबकी ज़बानें खामोश हो गई। दोस्तों ये ज़रूरी है कि हमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को समझना चाहिए। आज आपको ना यूट्यूबर्स की एक थोड़ी सी बात बताता हूँ। दोस्तों अभी आप लोगों ने देखा कि ये बैनांस यूएसए जो है वो एससी की वजह से, यूएसए गवर्नमेंट की वजह से वो बैन होने जा रही है। अब हालांकि उसमें बैनांस ने बताया भी है, बैनांस ग्लोबल ने, कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा यूएसए का जो फंड है वो $2 बिलियन होगा। अब $2 बिलियन से क्या होता है? कुछ भी नहीं। $2 बिलियन तो अक्सर मार्केट फ्लक्चुएट करती रहती है, बट क्या है कि यूट्यूबर्स ने उस चीज़ को इतना हाईलाइट बनाया है, उस चीज़ को इतना जोर डाला है, एससी होने वाली है, गवर्नमेंट ने बैन करने वाला है, 16 कॉइन खत्म होने वाले हैं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फंड निकाल लो, ट्रांसफर कर लो, डिसेंट्रलाइज वैलेट में डाल दो, यूं हो जाएगा, फलां हो जाएगा, अपने व्यूज लेने के लिए, व्यूज को बढ़ाने के लिए। और आज आप लोगों ने आज देखा कि मार्केट का क्या होशियार हुआ। वो लोग यूजर्स के, सब्सक्राइबर के दिलों के अंदर, उनके दिमागों के साथ खेलते हैं। वो इतना डर पैदा कर देते हैं कि हम एक बहुत बड़े 1000% भी लॉस में जा रहे हैं तो हम वहां पे हमारे दिमाग, क्योंकि हम लोग नर्वस हैं, हम लोग सिस्टम को नहीं समझते, हम लोगों की बातों में आ जाते हैं, जैसे वही सारा कुछ संभाल रहे हैं, सारा करता धरता वही है, हम उन्हीं की बातों में आकर दोस्तों क्या करते हैं कि अपने लॉस को एक बहुत बड़ा लॉस बना देते हैं। जिस लॉस को हमने कवर करना होता है दोस्तों, उसको हम बहुत बड़े लेवल तक लेके चले जाते हैं। तो सारी चीज़ों को बचने के लिए, लोगों के डर को, खौफ से ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि दोस्तों हमें चीज़ों को समझना चाहिए। अगर हम चीज़ों को समझेंगे, एक सही तरीके से हम रन करेंगे, तो कभी किसी चीज़ का नुकसान नहीं होगा। अब जो भी होना है यूएसए के अंदर होना है, वहाँ पे ब्लॉक होगी तो वहीं पे होगी। बिनास ग्लोबल का तो कहीं से कोई खच्चा भी नहीं है, नज़र भी नहीं आ रहा कि इसका कोई चांस है ब्लॉक होने का या डीलिस्ट होने का, कुछ भी नहीं है। बट दिलों के अंदर डर ऐसा पैदा कर दिया कि हम लोग मजबूर हो गए अपने क्वेंस को सेल करने के लिए, और उससे क्या पैदा हो जाता है, एक फंड क्रिएट हो जाता है। उसने बेच दिया, मैं भी बेचता हूँ, नीचे जा रहा है मैं भी बेचता हूँ, नीचे जा रहा है मैं भी बेचता हूँ, कि मेरा पैसा जीरो ना हो जाए। ये डर है जो यूट्यूबर्स ने हमारे दिलों के अंदर, हमारे दिमाग के अंदर हमारे साथ खेल के हमें मफलूज कर दिया है। उसकी वजह क्या है कि हमारे पास नॉलेज की कमी है। तो दोस्तों फिनटोच के साथ भी ऐसा ही हुआ। जब फिनटोच का थोड़ा सा उन्होंने सिस्टम को स्टार्ट करने लगे, अपने हाई परफॉर्म और अपने इको सिस्टम को आपके सामने लेकर आने लगे, तो लोगों ने ऐसा फंड क्रिएट कर दिया, ऐसा दबाव डाल दिया, ऐसा हमारे दिलों और दिमाग के साथ खेला कि हम लोग इसको स्कैम कहने पे मजबूर हो गए। दोस्तों ये बहुत बड़ा इकोसिस्टम है, आज आपके सामने आया हुआ है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। कल नहीं समझा तो आज इसको समझने की कोशिश जरूर कीजिए। दोस्तों ये आपके सामने ऑलरेडी एक हाई परफॉर्मेंस ब्लॉकचेन, जो कि नेक्स्ट जनरेशन, थर्ड जनरेशन का ब्लॉकचेन है, और एक स्टैंडर्डाइज सेटिंग के साथ आपके सामने आ चुका है, जो दोस्तों आपको एक फिनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, और आपको यहाँ पे मुहैया करता है कि आप उसके फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर से एक अच्छा इनकम लेकर आप यहाँ से अपनी इनकम को एंजॉय करें। दोस्तों ये तभी मुमकिन है जब आप इस सिस्टम को अच्छे तरीके से समझेंगे, और फिर इस सिस्टम के साथ जुड़े रहेंगे, और इस सिस्टम से आप अर्निंग करना स्टार्ट करेंगे। दोस्तों ये फिनटोच का चेन बेसिकली है क्या, ये किस तरीके से काम करता है, इसका डिज़ाइन किस टेक्नोलॉजी के थ्रू है, किस असूल के ऊपर काम करता है, और इसको किस टेक्नोलॉजी से मुतारिफ कराया गया है, इसका दोस्तों फिनेंशियल स्ट्रक्चर क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, इसमें हम किस तरह से फिनांस अर्न कर सकते हैं, मनी ऐसे अर्न सकते हैं, और ये किस इकोसिस्टम के ऊपर काम करता है, इसका जो फिनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किस इकोसिस्टम के तहत काम करता है, इन सारी चीज़ों को दोस्तों हमने सीखना है वन बाय वन। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फिनटोच के चेन के साथ, कि फिनटोच का जो चेन है, जो थर्ड जनरेशन का चेन है, ब्लॉक चेन है, जो मार्केट के अंदर लाइव हो चुका है, वो किस तरीके से परफॉर्म करेगा, उसमें क्या क्वालिटीज़ हैं।
पब्लिक चेन जो है दोस्तों हाई परफॉर्मेंस पब्लिक चेन है, जो कि एक डाओ चेन स्ट्रक्चर है। डाओ चेन का आपको पता है एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा इदारा जहां पे दुनिया के मुख्तलिफ इदारे आकर अपनी चीज़ों को लिस्ट करते हैं, वो एक डाओ बन जाता है। और हम लोग वही होंगे जो वहां पे बैठे हुए हैं ऑलरेडी। हम लोग जानते हैं कि यहां पर अभी कौन सा आने वाला है। अब बेनांस के जो वैलिडेटर्स हैं जिन्होंने नोड्स बाय किया है, जब भी कोई सिस्टम आकर बेनांस के ऊपर लिस्ट होगा तो क्या उनको पता नहीं होता? दे नो, दे वेल नोन अबाउट दोज प्रोजेक्ट्स हु आर गोइंग टू बी लिस्टिंग ऑन बेनांस। तो हम इस सिस्टम का अब डाओ बन चुके हैं, एक गढ़ बन चुके हैं। कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी सिस्टम आकर इसके ऊपर लिस्ट होता है तो हम उसको ऑलरेडी जानेंगे दोस्तों। इसका ब्लॉकचेन जो है दोस्तों डिजाइन टू सपोर्ट ब्लॉकचेन फाइनेंशियल सिस्टम, फाइनेंशियल सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए दोस्तों इसका एक सपोर्ट ब्लॉकचेन बनाया गया है। ईवीएम कंपेटिबल है दोस्तों, इथेरियम का जो मशीन है उसके थ्रू ये काम करता है दोस्तों, जिसका एक डाइवर्स इकोसिस्टम है और उस डाइवर्स इकोसिस्टम के थ्रू ये वर्क करता है दोस्तों। फिंटोज का जो प्लेटफॉर्म है एक बहुत ही ज़बरदस्त, और इसका जो ब्लॉकचेन है दुनिया का हाई फाई और थर्ड जनरेशन का ब्लॉकचेन बनाया गया है। अब ये दोस्तों जो डाओ है ये बेसिकली कैसे काम करता है, डाओ का जो चेन स्ट्रक्चर है कैसे काम करता है। बेसिकली ये दो चेन का मिश्रण होता है, एक चेन होती है दोस्तों, एक पैरेलल चेन होती है। अब इसको दो चेन के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। इसको थर्ड जनरेशन के ऊपर लेयर आईटी स्ट्रक्चर के थ्रू बनाया गया है और दो चेन को आपस में कनेक्ट किया गया है, एक मेन चेन दोस्तों, दूसरा पैरेलल चेन। अब मेन चेन क्या करता है, सेंसर्स को हैंडल करता है और जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसका एग्जीक्यूट करता है। और जो पैरेलल चेन है दोस्तों वो क्या करता है, वो उस ब्लॉक चेन के जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होती हैं उसकी जो एफिशेंसी है उसको इम्प्रूव करता है। अब मेन चेन एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करता है और जो उसकी एफिशिएंसी है ब्लॉक चेन की, जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है उसको ब्लॉक चेन को, उसकी एफिशिएंसी को कौन बनाता है, पैरेलल चेन। अब बेसिकली फिंटोज का जो डाओ स्ट्रक्चर है ये किसके थ्रू काम करता है, दो चेन के थ्रू काम करता है, एक चेन है मेन चेन और दूसरा चेन है पैरेलल चेन। अब मेन चेन क्या काम करता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करना, पैरेलल चेन उसको इम्प्रूव करता है, बेहतर बनाता है और उसकी एफिशिएंसी को मजबूत करता है। किसकी एफिशिएंसी को, जो उसके अंदर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती हैं। अब दोस्तों ये सारा कुछ करने के लिए अभी मार्केट के अंदर तीन प्रॉब्लम्स थे, जिनको हम तीन चैलेंजेस थे जिनको हम फेस कर रहे थे इस पब्लिक चेन के अंदर। आज जिस वजह से यूएसए गवर्नमेंट ने ये हमारे पास SEC ने ये बैन करना चाहा है बेनांस यूएसए को, और डिफरेंट 16 क्वींस हैं जिनको डीलिस्ट करना चाहती है। अब उसकी वजह क्या है कि डिसेंट्रलाइजेशन। अब ये मुझे बात अच्छी लगी है उनकी। अब वो चाहते हैं कि दुनिया के अंदर एक ऐसा निज़ाम हो जिसके अंदर किसी का कोई कंट्रोल ना हो। अभी हम क्यों चाहते हैं कि हम अपना क्वीन बनाएं, फिर हम अपनी मर्जी से उसको पंप डंप करें, फिर हम अपनी मर्जी से स्कैम करें, हम लोगों को लूटें, ऐसा क्यों चाहते हैं हम? वो चाहते हैं कि एक सही तरीके से प्रॉपर निज़ाम हो, डिसेंट्रलाइज निज़ाम हो, तो सारा चीज़ सही तरीके से हो। तो दोस्तों इस चीज़ को हम तीन मेजर चैलेंजेस जिनको हम फेस कर रहे थे। सबसे पहला चैलेंज था डिसेंट्रलाइजेशन। हमारे पास कोई एडवांस का मेकानिज्म नहीं था जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, कोई भी हमारा सिस्टम जो था डिसेंट्रलाइज होता। अब ये किसने प्रोवाइड किया दोस्तों, हमारे पास फिंटोज ने प्रोवाइड किया हमें डिसेंट्रलाइज एडवांस मैकेनिज्म बताया, जो कि एसेट प्रूफ ऑफ स्टेकिंग के ऊपर काम करता है। सिक्योरिटी जीरो नॉलेज प्रूफ के पास नहीं थी, उसको भी कौन प्रोवाइड किया, फिंटोज ने प्रोवाइड किया। दोस्तों सिक्योरिटी की बात करें, जितना भी पैरेलल चेन है उसको इन्फिनिटी बेस पर हम क्या करते हैं, हार्डवेयर यूज करके उसका स्केलेबिलिटी बेहतर बनाते हैं। जैसे अभी इसने स्केलेबिलिटी फिंटोज ने फंटम और सोलाना के ऊपर बनाया। अब इसका जो इथेरियम है, इथेरियम का सिक्योरिटी और इसका डिसेंट्रलाइजेशन, अभी तो यूएसए ने ये गवर्नमेंट, यूएस की गवर्नमेंट ने ये बोला है कि जितना भी क्वीन है, टोटल का टोटल क्वीन, कोई भी बिटकॉइन के, तो हम सिर्फ बिटकॉइन को अडॉप्ट करेंगे, बिटकॉइन के अलावा हम किसी क्वीन को भी अडॉप्ट नहीं करने जा रहे हैं। वी आर नॉट सीइंग एनीथिंग, इवन उन्होंने इथेरियम को भी इन कर दिया, इथेरियम भी नहीं है। तो दोस्तों इस वजह से मार्केट में फट पड़ा हुआ। तो हमारे पास आज एक डिसेंट्रलाइज इकोसिस्टम मौजूद है, डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन मौजूद है। ये तो सिस्टम ही यहाँ से क्या है, आपको पता है कि सिस्टम ही यूएसए से है, और इन लोगों ने उसके लीगलाइज होने में, उसकी सिक्योरिटी में, उसकी स्केबिलिटी में किसी किस्म का कोई चीज़ नहीं छोड़ना।
ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है दोस्तों, इस प्रोजेक्ट का बहुत बड़ा एक नाम बनेगा, इसका सिस्टम बहुत बड़ा है, एक बड़ा पर इको सिस्टम है, उसके थ्रू ये काम करेगा दोस्तों। दोस्तों आपने देखा कि इन लोगों का ऑफिस भी उन जगह पे है जहाँ पे बड़े बड़े प्रोडक्ट्स हैं, जैसा कि गूगल है, जैसा कि अमेजोन है, ये उन लोगों का, इन लोगों का भी उसी दिल्ली के अंदर दोस्तों अमेरिका में इनका भी ऑफिस है। तो दोस्तों इसका जो डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन इकोसिस्टम है, कितने सिस्टम के थ्रू काम करता है, वो बेसिकली दोस्तों पांच सिस्टम है, उसके अंदर पांच मार्केट्स हैं, एक फिन पे है, दूसरा फिन बिल है दोस्तों, फिन बॉक्स है, फिन एक्स है और फिन सोल है। दोस्तों ये पांच तरह का मार्केट है डिफरेंट किस्म का, जिसके थ्रू इसका जो डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन है वो वर्क करता है। अब ये सारी चीज़ें किस तरीके से एग्जीक्यूट करती हैं, किस तरीके से वर्क करती हैं, एक एक को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि पिंटोच ऐसा कमाल का सिस्टम है, ऐसा एक जबरदस्त इकोसिस्टम है जिसका मुकाबला दुनिया में कोई टेक्नोलॉजी नहीं कर सकती। दोस्तों पिंटोच के पब्लिक चेन डिजाइन की बात करें, इसके प्रिंसिपल की बात करें और इसकी टेक्नोलॉजी की बात करें, तो इसका जो सिस्टम है बड़ा ही जबरदस्त और पावरफुल है। इसका चेन परफॉर्मेंस, इसमें इसकी पांच क्वालिटीज हैं जिसको हम देखेंगे। एक तो इसके ब्लॉक चेन की जो परफॉर्मेंस है वो किस तरह की है, इसका जो सेंसस है दोस्तों मेन चेन का, जो कि एसिड प्रूफ ऑफ स्टेकिंग के ऊपर काम करता है, कैसे करता है। दोस्तों इसका जो एटॉमिक स्वैप है, क्रॉस चेन स्ट्रक्चर है, वो किस तरीके से वर्क करता है, और इसका जो लेयर टू सॉल्यूशन है इथेरियम के साथ इसको कनेक्ट किया गया है। अभी आपको पता है इथेरियम का जो ब्लॉक चेन था वो खराब हो गया था, खत्म हो गया था, उसको बेहतर बनाने के लिए क्या किया गया, उसके लेयर टू सॉल्यूशन लिया गया। अब उस लेयर टू सॉल्यूशन के ऊपर जीरो नॉलेज प्रूफ के ऊपर वर्क करता है दोस्तों, ईवीएम कंपेटिबल है। इन सारी चीज़ों को समझने के लिए हम देखते हैं कि आया कि इस सिस्टम के अंदर इसका जो सिस्टम है, ये जो हमारे पास पिंटोच का सिस्टम है, ऐसा इसके अंदर क्या प्रॉपर्टी है, इसका परफॉर्मेंस क्यों इतना बेहतर है, इसका सेंसर इतना क्यों कमाल का है, इस चीज़ को देखते हैं दोस्तों कि ऐसा क्या ज़बरदस्त है कि इसको लेयर टू के साथ कनेक्ट किया गया। सबसे पहले दोस्तों इसका देखते हैं पिंटोच का मेन चेन परफॉर्मेंस डेटा, इस सिस्टम के क्या है कि डेटा मेन चेन में इसका जो ट्रांजेक्शन्स एक सेकंड का स्पीड है दोस्तों मेन चेन का, वो है 7500 प्लस ट्रांजेक्शन पर सेकंड, और इसका जो पैरेलल चेन है दोस्तों उसका जो ट्रांजेक्शन पर सेकंड स्पीड है वो 80000 प्लस ट्रांजेक्शन्स। उन दोस्तों इन सारी चीज़ों को किसके थ्रू किया जाता है, जो एसेट प्रूफ ऑफ स्टेकिंग नोड्स हैं हमारे पास, जो कि 100 नोड्स हैं, उनके थ्रू इन सारा डेटा को कंट्रोल किया जाता है। और इसका जो एवरेज ब्लॉक है दोस्तों, एक ब्लॉक जो है वो 10 FTC प्रोड्यूस करता है, और आपको पता है एक ब्लॉक चेन का जो टाइम पीरियड है वो 3 सेकंड है, 3 सेकंड के अंदर एक ब्लॉक कंप्लीट होता है। फिंटोच के पब्लिक चेन की बात करें तो दोस्तों फिंटोच का जो पब्लिक चेन है, मेन चेन है, वो एसेट प्रूफ ऑफ स्टेकिंग के ऊपर काम करता है, और इसका जो पैरेलल चेन है दोस्तों वो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करता है, एक दूसरे को दूसरे के साथ कनेक्ट करता है, सेंसर्स के ऊपर प्रूफ PBFT के ऊपर काम करता है, एसेट प्रूफ ऑफ स्टेकिंग के ऊपर, प्रूफ ऑफ स्टेकिंग ऊपर और प्रूफ ऑफ वर्क के ऊपर। अब दोस्तों इसका जो फिंटोच का दोस्तों कंसेंसस जो मैकेनिज्म है वो किस तरीके से चलता है, किस तरीके से वर्क करता है, इस सारी चीज को हम वन बाय वन एक एक स्टेप में समझने की कोशिश करते हैं। हाई परफॉर्मेंस है, ट्रांजेक्शन पर सेकंड स्पीड बहुत कमाल का है, और इसका हर चीज जबरदस्त है। और इसका एटॉमिक स्वैप एसिड की बात करें दोस्तों, इसका जो क्रॉस चेन है, आपको पता है कि फिंटोच जो है तो डिजिटल एसिड के इंट्रैक्शन को दूसरी चेन्स के थ्रू, दूसरी चेन्स अदर जो पब्लिक चेन्स हैं, ऐसा इंट्रैक्शन बनाता है कि वहां पर हम P2P से एक वैलेट से दूसरे वैलेट में, मतलब एक ब्लॉक चेन से दूसरी ब्लॉक चेन से अपनी ट्रांजेक्शन को हम डिफरेंट ब्लॉक चेन्स के अंदर, ये अलाउ करता है कि आप लिक्विडिटी ऐड कर सकते हैं और यहाँ से अपने एक ब्लॉक चेन से दूसरी ब्लॉक चेन में अपने ट्रांजैक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं। यूं समझ लें इसका एक मल्टी चेन क्रॉस चेन वैलेट है, स्वैप है, जिसमें हम डिफरेंट कॉइन्स को एक ब्लॉक चेन से दूसरे ब्लॉक चेन में ट्रांसफर कर सकते हैं। अब दोस्तों जब भी कोई कॉइन हमारे ट्रांसफर होता है तो उस वो कितने स्टेप में होता है, वो बेसिकली 4 स्टेप में होता है, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप और फोर्थ स्टेप। अब इन स्टेप में क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में दोस्तों अब मान लो कि मैंने एड्रेसिट ट्रांजेक्शन को इनिशिएट किया है, वो ट्रांजेक्शन क्या होगी, INB के ब्लॉक में जाके लॉक हो जाएगी, उसके कॉन्टेक्ट में हाईएस्ट रेट जो है हमारा लॉक हो गया। अब वही ट्रांजेक्शन क्या करेगा, BTCS के अंदर लॉक होगा और उसके जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है उस हाउस को लॉक कर लेगा।
स्टेप थ्री में क्या होगा, दोनों जो हमारे पास अब दोनों जो ब्लॉकचेन के अंदर जो हमारे पास ट्रांजेक्शन लॉक हो गए हैं, हैश लॉक हो गए हैं, उसकी ट्रांजेक्शन को दोस्तों वेरीफाई करेगा, उसकी ऑथेंटिसिटी करेगा और उस ट्रांजेक्शन को इनिशिएट करेगा कि एडा के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू इसको इनिशिएट करो। अब वो इनिशिएट होगी दोस्तों, अगर ट्रांजेक्शन वेरीफाइड होगी बोथ पार्टीज उसको कंप्लीट कर देंगी और जो ट्रांजेक्शन होगा वो सक्सेसफुल हो जाएगा। अगर दोस्तों ऐसा नहीं होगा, अगर नॉट वेरीफाइड होगी तो ट्रांजेक्शन कैंसिल हो जाएगा और वो ऑटोमेटिकली दोस्तों अनलॉक हो जाएगा। इस तरह के से हमारा ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं होगा। तो ये सारा सिस्टम जो स्वैप का सिस्टम है, एक ब्लॉकचेन से दूसरी ब्लॉकचेन में जाता है, तो दोस्तों ये एक ब्लॉकचेन से दूसरी ब्लॉकचेन में जाता है, जो किसके थ्रू जाता है, ये एक सिस्टम के थ्रू जाता है, एक पावरफुल सिस्टम के थ्रू होता है कि उसको 4 स्टेप के अंदर कंप्लीट किया जाता है। अब दोस्तों इसका जो लेयर 2 सॉल्यूशन है, जीरो नॉलेज प्रूफ के ऊपर काम करता है, उसके लिए 3 मेन स्टेप है, उसको फॉलो करके ये काम करता है। अब जीरो नॉलेज प्रूफ की बात करें तो दोस्तों ये भी एक लेयर 2 का जो एक्सपेंसिव सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, उसकी सपोर्ट के थ्रू फिनटोच का जो चेन है, मेन चेन फिनटोच का मेन चेन है, और इसका जो दूसरा मेड्यूल है जिसके ऊपर जिसको हम पैरेलल चेन, ये दोनों का दोनों चेन जो है, इन दोनों चेन को फिन चेन के ऊपर बिल्ड किया गया है। अब फिन चेन जो कि पैरेलल चेन है, जो इन दोनों मेथड को, दोनों मेथड के थ्रू, एक नॉन इंडक्टिव जीरो नॉलेज प्रूफ है और दूसरा रिक्रसिव जीरो नॉलेज प्रूफ है, इनकी प्राइवेसी और सिक्योरिटी को यकीनी बनाता है, इंश्योर करता है। और इन दोनों मेथड के थ्रू दोस्तों इसका जितना भी मॉडल है, मैथमेटिकल मॉडल है, और जितना भी इसका लेयर 2 सॉल्यूशन का जो मॉडल है, उसकी इंस्क्रिप्शन और उसकी फाउंडेशन और उसको फिनटोच को पब्लिक चेन और उसका फिनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर जितना भी है उसको मजबूत बनाता है और इन 3 स्टेप्स के अंदर उसको कंप्लीट करता है। दोस्तों अगर फिनटोच ने कहीं पर भी कोई ऐसा वीक पॉइंट नहीं छोड़ा जहाँ पर इसको किसी भी चीज़ का सामना करना पड़े। इसका EVM जो हम कंपेटिबल, फुली कंपेटिबल है, इथेरियम वर्चुअल मशीन है, उसके अंदर मशीन के अंदर स्टेट होता है, ये वोलेटाइल ट्रांजेक्शन होती हैं, प्रोग्रामर के अंदर इसको काउंटर किया जाता है, गैस अवेलेबल होती है, फीस के लिए स्टॉक करते हैं मेमोरी के अंदर। अब जिसका वर्चुअल रेम होता है वहाँ पर EVM कोड होता है दोस्तों, उसको म्यूटेबल बना के जितना भी स्टोरेज है फोन के अंदर स्टोर कर लिया जाता है। इसलिए इस सिस्टम को कहते हैं कि ये EVM कंपेटिबल है, मतलब ये कम्प्लीटली तौर पर एक स्टोर सिस्टम है, यहाँ पर किसी भी चीज़ का कोई खतरा नहीं है। अब पिंटोच चेन के फिनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो दोस्तों इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे FTC नेटिव टोकन है, क्रॉस चेन का डेक्स है, जैसे फिन स्वैप हमारे पास है वहाँ से भी अर्न कर सकते हैं, डिसेंट्रलाइज प्रूफ ऑफ क्रेडिट है उसके थ्रू हम यहाँ से पैसा अर्न कर सकते हैं, फिनेंशियल सोलबन टोकन है इसका फिन SBT दोस्तों, इसका जो NFT टोकन है जिसको नॉन फंजिबल टोकन है उसका नाम फिन SBT है, वहाँ से भी हम पैसा अर्न कर सकते हैं, और इसका नेटिव स्टेबल टोकन है दोस्तों FUSD, उससे भी हम यहां से पैसा अर्न करेंगे। ये इसका फिनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है दोस्तों, जहां से हम इस सिस्टम के अंदर एक बहुत सारा पैसा अर्न कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों FTC के नेटिव टोकन की बात करें तो उसका जो टोटल सप्लाई है वो 840 मिलियन है दोस्तों, उसका जो इशूइंग मैथड है वो टोटल का टोटल 100% माइनिंग से होगा सुपर नोड्स के थ्रू। जिन लोगों ने सुपर नोड्स माइनिंग किया है, बाय कर लिया दोस्तों, उनका पूरी लाइफ टाइम ये जो FTC कोइन है माइन होता रहेगा। ब्लॉक रिवार्ड की बात करें दोस्तों, 10 FTC जो है एक ब्लॉक से हॉल्विंग होगा दोस्तों, और ये हॉल्विंग हमेशा चलता रहेगा। दिल्ली का 28,880 ब्लॉक का हॉल्विंग होगा, और इसी तरह दिल्ली का जो 288,000 कोइन माइनिंग होगा, और ये जो हॉल्विंग पीरियड एक पीरियड होगा 4 साल का होगा, 4 साल के बाद दूसरा हॉल्विंग पीरियड होगा। जिस तरह आप लोगों ने देखा है कि 2021 के अंदर बिटकॉइन का टोटल हॉल्विंग हुआ है, इस तरह जब प्राइस कम बढ़ती जाती है किसी भी टोकन की तो उसका जो हॉल्विंग होता है वो स्लो होता जाता है। अब जिस तरीके से उसका प्राइस कम होता है तो फिर उसका जो स्पीड है हॉल्विंग, उसका जो माइनिंग है वो फास्ट हो जाता है। तो स्टार्ट में यही वजह होती है कि हॉल्विंग फास्ट होती है, तो धीरे धीरे से जो हॉल्विंग होती है स्लो होती जाती है। क्रॉस चेन डिसेंट्रलाइज चेन एक्सचेंज की बात करें दोस्तों, इसका जो फिन स्वैप है जिसके अंदर 2 तरीकों से आप पैसा बना सकते हैं, बाय कनेक्टिंग थ्रू द पनकेक स्वैप, लेकिन इसका अपना भी स्वैप अभी लॉन्च होने वाला है इस महीने के लास्ट में, तो वहाँ पर भी वही 2 चीज़ें आपको मिलेंगी। या तो आप डिफरेंट करेंसीज को क्या करेंगे, एक कोइन से दूसरे कोइन में तब्दील करके पैसा जनरेट कर सकेंगे, या आप यहाँ पर आपको एक लिक्विडिटी एग्रीगेशन पूल मिलेगा दोस्तों। ये लिक्विडिटी एग्रीगेशन पूल किस तरह होता है, आपको पेयर मिलेंगे जैसे USDT और साथ में आप क्या होगा FTC,
आपके पास एक एफटीसी है, आपको उतनी अमाउंट में यूएसडीटी मिला के, या बीएनबी एफटीसी, इस तरह डिफरेंट पेयर मिलेंगे, इथेरियम एफटीसी, एफटीसी के साथ आपको पेयर मिलेंगे। आप उस पेयर से क्या करेंगे, दोनों सेम अमाउंट में करेंसी मिला के आप वहाँ पे लिक्विडिटी ऐड कर सकते हैं, और वहाँ पे लिक्विडिटी ऐड करके एक अच्छी खासी परसेंटेज से आप अर्न कर सकते हैं। डाउ चेन लाइटनिंग इंटरेक्शन है दोस्तों, डिफरेंट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स आके अपने डाउ यहाँ पे बनाएंगे, लिस्ट करेंगे, तो उन नए कॉइन को आप बाय करके वहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक अच्छा पैसा बना सकते हैं। ईवीएम थर्ड जनरेशन सिस्टम है दोस्तों, यहाँ पर ऑटोमेटिक मार्केटिंग सिस्टम मौजूद होगा, जहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इस क्रॉस चेन स्वैप के अंदर लिक्विडिटी प्रोवाइड करके, जहाँ पे आप अपने प्राइस और अपने रेंज और अपनी कैपिटल एलोकेशन का मुकम्मल कंट्रोल रखेंगे, और यहाँ से आप क्या करेंगे, एक अच्छा और ज़बरदस्त प्रॉफिट बनाएंगे। दोस्तों डिसेंट्रलाइज प्रूफ ऑफ क्रेडिट आपको पता है किस तरीके से काम करेगा, इसका एक फिनेंशियल इंडस्ट्री क्रेडिट की बनाई जाएगी, जहाँ पे इसकी एस्टेब्लिशमेंट और एक्सपेंशन जो होगी वो ब्लॉकचेन फिनेंशियल क्रेडिट के थ्रू होगी, और ये एक रिलायबल मैकेनिज्म हो जाएगा जो उसकी ऑथेंटिसिटी और क्रेडिबिलिटी को इंश्योर बनाएगा। दोस्तों फिनटोच, क्योंकि आपको पता है डिसेंट्रलाइज प्रूफ ऑफ क्रेडिट मुहैया करता है यूजर्स को, जो कि नॉन इंट्रैक्टिव जीरो नॉलेज प्रूफ मेथड के ऊपर काम करेगा, जिसमें जो फिनटोच चेन का कंप्लीट वेरिफिकेशन और कस्टमर क्रेडिट की कंप्लीट मुकम्मल जो भी जानकारी होगी वो किसी के साथ शेयर नहीं होगी। और इस तरीके से क्या होगा कि जितने भी क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपने नोड्स और फिनटोच चेन के अंदर कंप्लीट रिवार्ड और पनिशमेंट मैकेनिज्म की इंश्योर बनाएंगे कि उसकी ऑथेंटिसिटी, वैलिडिटी और इंफॉर्मेशन को किसी के साथ शेयर ना किया जाए, और यहाँ पर हमारा जो प्रूफ ऑफ क्रेडिट है वो हमेशा डिसेंट्रलाइज तरीके से काम करेगा, कि हम अपना सिस्टम इस डिसेंट्रलाइज तरीके से अपना जो प्रूफ ऑफ क्रेडिट है उसको हम यहाँ से एक जगह से पैसे को दूसरी जगह कार्ड के जरिए ट्रांसफर कर सकेंगे, पर हमारा डिटेल किसी के पास नहीं जाएगा बिकॉज ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। फाइनेंशियल सोल बॉन्ड टोकन्स की बात करें दोस्तों, फिन एसबीटी इसका टोकन है, ये भी नॉन ट्रांसफरेबल एनएफटी है, जिसको हम नॉन फंजिबल टोकन के नाम से जानते हैं। दोस्तों ये क्या करेगा, विच कैन डिस्क्राइब द यूजर्स एजुकेशन बैकग्राउंड, वर्क इनकम कंजप्शन लेवल एंड क्रेडिट स्टेटस, डिसेंट्रलाइज नेटवर्क के अंदर ये चीज़ें आपको मुहैया करेगा। इसका जो अहम फंक्शन है फिनटोच के अंदर वो क्या है, कि ये अपने फिनेंशियल एसबीटी को हर जो फिनटोच का यूज़र है, जिसका वो अकाउंट है, वो फिन एसबीटी को ले लेगा। फिनटोच का चेन जो होगा दोस्तों, ये ऐसा फर्स्ट चेन होगा जो एक डिसेंट्रलाइज तरीके से, जिसके अंदर एक जो बाइंडिंग करके एनएफटी को माइन किया जाएगा, बाइंडिंग करके, जिस तरह हमने बाइंडिंग करके अभी एफटीसी को माइन कर रहे हैं, इसी तरीके से हमारे यूजर्स बाइंड करके इस जो नेटिव टोकन है एनएफटी है, नॉन फंजिबल नॉन ट्रांसफरेबल टोकन है, इसको भी माइन करेंगे। नेटिव स्टेबल टोकन है दोस्तों एफयूएसडीटी, किसी भी टोकन को फ्री में किसी को नहीं दिया जाएगा। जो लोग नोड्स के थ्रू एफटीसी को माइन कर रहे हैं वही लोग क्या होंगे दोस्तों, इस स्टेबल टोकन को भी वही लोग ले सकेंगे एफयूएसडीटी को, बट ये एनुअल रेट पर मिलेगा, एक रिटर्न मिलेगा स्टेबल कॉइन के अंदर। एक्सपेक्टेशन है कि 20% से लेकर 300% तक एक साल के अंदर हर बंदे को मिलेगा जो बंदा इस सिस्टम के अंदर एफटीसी का माइनिंग कर रहा है। तो फ्री में देखें यहाँ पर कोई भी चीज़ नहीं मिल रही, हर चीज़ को लेने के लिए आपको सिस्टम के साथ जुड़ना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों इसका जो फिनटोच चेन का फिनेंशियल इकोसिस्टम और उसकी वैल्यू है, 5 सिस्टम के ऊपर काम करती है फिन पेमेंट, जिसमें आपको डिफरेंट किस्म की पेमेंट एप्लीकेशन मिलेंगी, बट यहाँ पर आपको डिसेंट्रलाइज तरीके से मिलते हैं, बट यहाँ पर सारा काम डिसेंट्रलाइज तरीके से होगा, किसी में किसी का कोई कदोकाल नहीं होगा, किसी का कोई इन्फॉर्मेशन चोरी नहीं होगा, किसी का ट्रांजेक्शन हैक नहीं होगा, कोई आपका पैसा नहीं खा सकेगा, हर चीज़ सही तरीके से प्रॉपर तरीके से काम करेगी। इकोसिस्टम वैल्यूएशन होगी दोस्तों, फिन बिल होगा, आपके जो फिनेंशियल बिल ट्रेडिंग मार्केट है वो भी बेहतरीन तरीके से काम करेगी यहाँ पर सिस्टम के ऊपर। और इसके अलावा फिन बुक की बात करें दोस्तों, यहाँ पर आपको फिनेंशियल सर्विस भी मुहैया की जाएंगी सोशल प्लेटफॉर्म के ऊपर, जितने भी हैं आपके, जैसे आपका फेसबुक है, ट्विटर है, आपका आपका व्हाट्सएप है, इस तरह के आपको सोशल प्लेटफॉर्म मिलेंगे फिन बॉक्स के ऊपर, जहां पर आप अपने मैसेजेस को और अपने ट्रांजैक्शन को एक डिसेंट्रलाइज तरीके से एक जगह से दूसरी का कर सकेंगे। फिन सोल है दोस्तों, इसमें नेक्स्ट जनरेशन गेम फाइव सिस्टम है, आपको दुनिया का बेहतरीन निज़ाम मिल रहा है, जहां पर देखिए आप दुनिया क्या चाहती है, दुनिया दो चीज़ें चाहती हैं, एक तो ये चाहती है कि हमारे पास डिसेंट्रलाइज सिस्टम हो, दूसरा ये चाहती है दुनिया कि हमारे पास एक ऐसा सिस्टम हो जहां पर हमें काम ना करना पड़े। तो दोनों की दोनों चीज़ें कौन प्रोवाइड कर रहा है, फिनटोच प्रोवाइड कर रहा है, आपको डिसेंट्रलाइज चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हो, साथ में आपको ऐसा एनएफटी और गेमिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट काम करेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करेगी, आपको किसी किस्म की कोई ज़रूरत नहीं होगी और आप एक पैसिव इनकम जनरेट करेंगे।
दोस्तों फिनपे है जो इसका पेमेंट मेथड है, पेमेंट गेटवे है, किस तरीके से काम करता है। इस पिनटोच के अंदर आपको तीन चीजें मिलेंगी, फिनपे मिलेगा दोस्तों, फिनसोल और फिनस्वैप। ये तीन चीजें हैं जहाँ से एक अच्छा और जबरदस्त पेमेंट मेथड के तौर पर यहाँ पे मेटावर्स और यूनाइट और यहाँ पे क्रॉस चेन के थ्रू हम बेनिफिट ले सकते हैं। पेमेंट मेथड किस तरह काम करता है दोस्तों, पेमेंट मेथड एपीआई के थ्रू काम करता है, कनेक्ट कर दिया जाता है, फिन ब्रिज होती है, क्रॉस चेन ब्रिज के थ्रू काम करता है। उसमें क्या होता है, हमारी जो फिएट करेंसीज होती हैं जैसे INR हो गया, रुपीज हो गया और युआन हो गया, जिस तरह हमारी नेटिव करेंसीज हैं, चाइना का युआन, हमारा इंडिया का INR, पाकिस्तान का रुपी हो गया, इन नेटिव करेंसीज को क्या किया जाता है, डिजिटल करेंसी में कन्वर्ट किया जाता है फिएट को, और डिजिटल करेंसी को फिएट में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये सारा फिनपे कहलाता है, पेमेंट गेटवे के थ्रू कहलाता है। ये सारी चीज़ें हम एक सेंट्रलाइज तरीके से करते थे, बट नाउ फिनटोच इज प्रोवाइडिंग अ डिसेंट्रलाइज वे। फिनसोल है आपके पास एक मेटावर्स यूनाइटवर्स का 2.0 लेयर सॉल्यूशन है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके दोस्तों गेम फाइल लॉन्च किया जाएगा, और इसमें जो प्रोग्रामेबल दोस्तों NFT है, उस NFT के थ्रू, इस यूनाइटवर्स के थ्रू दोस्तों, एक क्रिएटिव मार्केट के थ्रू और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके इससे बहुत बड़ा बेनिफिट लिया जाएगा। फिन स्वैप है दोस्तों, क्रॉस चेन स्वैप है आपके पास, फिन ब्रिज क्रॉस चेन ब्रिज है दोस्तों, जिसमें हाई फ्रिक्वेंसी है, डिसेंट्रलाइज ट्रांजेक्शन होंगी तमाम पब्लिक चेन्स की, और इस तमाम डिजिटल करेंसीज को बेहतर तरीके से आप एक करेंसी को दूसरी करेंसी में कन्वर्ट कर सकेंगे। दोस्तों पेमेंट है, जितना सेटलमेंट है, फिनटोच का कॉरपोरेटिव बैंकिंग सिस्टम है, और इसका इंटीग्रेशन ऐसे एग्रीमेंट के थ्रू हुआ है जैसे कि स्विफ्ट है, प्ले पे है, जैसे वीज़ा है, और इसके जो इनिशियल कॉरपोरेटिव रिलेशनशिप है, यहाँ पे आप जैसे वॉल स्ट्रीट बैंक्स हैं, इन सारी चीज़ों के थ्रू आपका पेमेंट सारा चीज़ किया जाएगा। फिन पे जो बात करें दोस्तों, उसके भी बहुत सारे एडवांटेज हैं, लोअर सिस्टम ऑपरेटिंग कॉस्ट, फास्ट ट्रांसफर स्पीड, आपकी जो कॉस्ट है उसको कम करता है, स्पीड को बेहतर बनाता है, 3 सेकंड में आपका करेंसी अराइव हो जाएगा, कोई भी करेंसी आप सर्कुलेट करते हैं आपको बहुत ज़बरदस्त सुपर पेमेंट गेटवे प्रोवाइड करेगा, सूटेबल होगा कन्वर्सेशन के लिए। जितनी भी डिजिटल करेंसीज हैं और लीगल करेंसीज हैं, उसको एक जगह भेजने, एक जगह से दूसरी जगह भेजने में आपका फिन पेमेंट मेथड और फिन पे मेथड जो है आपका बहुत मददगार साबित होगा, और इस तरीके से दोस्तों आप एक जगह से दूसरी जगह पेमेंट को आसानी से भेज सकेंगे। फिन बिल की बात करें दोस्तों, फिनेंशियल बिल ट्रेडिंग मार्केट है आपको, ये एक बेसिक इकोसिस्टम आपको फिनटोच पब्लिक चेन के अंदर फिन बिल होगा, जिसको हम यूज़ करेंगे Web3 सिस्टम के ऊपर एक डिसेंट्रलाइज तरीके से, और हम इसको 3 तरीकों से यूज कर सकते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज के थ्रू, प्रोमिसरी नोट के थ्रू और चेक के थ्रू। दोस्तों ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, आप डिफरेंट पीपल्स होते हैं, डिफरेंस क्या होता है कि डिफरेंट पीपल होते हैं उस सी द बिल्स। अब क्या है कि हम किसी चीज़ का भी बिल करते हैं, बिल ऑफ चेंज है, प्रोमिसरी नोट है, चेक है, हम उसको किसी जगह प्रोवाइड करने जाते हैं तो हमें दूसरे लोगों को दिखाना पड़ता है। बट यहाँ पर क्या है कि कोई भी काम कर रहे हैं, इन तीनों कामों में किसी सिस्टम का कोई पैकेज, चेक दे रहे हैं, कोई भी बात है कि हम पेयर हैं और हम पीयर को हम प्रोवाइड कर रहे हैं, नो थर्ड पार्टी विल बी इन्वॉल्व, ओनली एवरीथिंग विल बी डन बाय द डिसेंट्रलाइज मेथड। तो यहाँ पर हमें जितना भी है, सारा का सारा प्लेटफॉर्म जो है वो एक डिसेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहा है। फिनसोल की बात करें दोस्तों, फिनसोल नेक्स्ट जनरेशन गेम फाई है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के थ्रू आपको AI टेक्नोलॉजी गेम प्रोवाइड करता है, प्रोग्रामेबल NFT और मेटावर्स डेफी, ये सारे सिस्टम प्रोजेक्ट मेटावर्स का 2.0 लेयर सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करता है। और इन सारी चीज़ों के अंदर क्या होगा कि हम अपने गवर्नेंस टोकन को यूज़ करके इन सारों चीज़ों के अंदर, इन मार्केट के अंदर इंटर हो सकते हैं, हम यहाँ पर डिफरेंट किस्म की गेम्स को फ्री में भी खेल सकते हैं, पेड करके भी खेल सकते हैं, और कॉपीज को परचेज कर सकते हैं, और यहाँ पर हम डिफरेंट किस्म के NFT एसेट से भी इसको खेल सकते हैं और बहुत सारा इनकम यहाँ से बना सकते हैं। और देखें यहाँ पे जो बड़ी अहम बात है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी, जिसके थ्रू लॉस के जो चांस हैं वो दूर दूर तक बहुत कम हो जाते हैं। फेन बॉक्स की बात करें दोस्तों, वेब 3.0 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, सेम लाइक दैट ऑफ द मेटा, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इस तरह का हमारे पास एक बहुत ज़बरदस्त सोशल मीडिया का वेब 3.0 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू क्या होगा कि हम इंस्टेंट मैसेज को यूज़र क्या करेंगे, अपने वैलेट के थ्रू, वैलेट एड्रेस के थ्रू अपने जो इनबॉक्स होंगे उसको लॉग इन करेंगे और अपना तस्वीर, पोस्ट और अपना मैसेजेस वगैरह एक जगह से दूसरी जगह, अपने वैलेट से दूसरे वैलेट में इंस्टेंट मैसेजेस करेंगे और अपना NFT को भेजेंगे। तो सारा का सारा जो भी वर्क होगा सोशल मीडिया का, वो एक डिसेंट्रलाइज तरीके से होगा, मतलब इसमें किसी भी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्व नहीं होगा,
कोई भी हमारा वैलेट हैक नहीं करेगा, ब्लॉक नहीं कर सकेगा, बैन नहीं कर सकेगा, सारा का सारा सिस्टम क्या होगा, डिसेंट्रलाइज फिक्स होगा। दोस्तों फिनटोच चेन का वैल्यूएशन की बात करें, इसका वैल्यूएशन लगभग हर साल में 300% का ग्रोथ रेट प्रोवाइड करेगा। 2023 अब तक की बात करें तो इसका रेवेन्यू जो है वो $300 मिलियन के अंदर है, प्रॉफिट $90 मिलियन है, ग्रोथ रेट की बात करें तो 300% बनता है। इस वक्त का जो टोटल मार्केट कैप है वो 90 बिलियन है। इसलिए दोस्तों जिस तरह क्रिप्टो रेवोल्यूशन लेकर आ रही है दुनिया के अंदर, लीगलाइज हो रही है, हर कंट्री चाहता है कि लीगलाइज हो जाए। 2024 के अंदर जो रेवेन्यू मिलियन में होगा वो दोस्तों 900 मिलियन में होगा, हमारा प्रॉफिट 270 मिलियन होगा, ग्रोथ रेट 300% होगा और टोटल मार्केट कैप जो होगा वो 2.7 ट्रिलियन होगा। दोस्तों 2025 की बात करें तो 27 मिलियन का रेवेन्यू होगा, प्रॉफिट जो हमारा होगा 810% $10 मिलियन होगा और ग्रोथ रेट 300% होगा और टोटल मार्केट कैप जो एक्सपेक्ट की जा रही है 2025 के अंदर, क्योंकि ये बहुत बड़ा हाल्विंग ईयर होगा 2024 और 2025, और यहाँ पर जो मार्केट का टोटल कैप होगा दोस्तों वो $8.1 बिलियन एक्सपेक्ट किया जा रहा है। ये बहुत बड़ा मार्केट होगा सो दोस्तों, और यहाँ पर एक बहुत बड़ा पैसा आने वाला है दोस्तों, चीज़ों को समझने की कोशिश के लिए। ट्रांजिशन टू द FTCS फिनचेन जो है हमारे पास, उसमें जो नोड सब्सिशन था दोस्तों 6 दिन का टाइम मिला था, वो कंप्लीट हो चुका है। फिनचेन जो था कंप्लीट हो चुका है, नोड्स बिक चुके हैं, 10,000 नोड्स थे, एक नोड्स की वैल्यू $10 लाख थी, उसको हम सब्सक्राइब कर सकते थे कैश वाउचर के थ्रू या USDT के थ्रू। नोड क्रिएटर था दोस्तों, जिसने क्रिएट किया था उसका $1 लाख USDT पे किया था उसने, फिलअप करने के लिए उसको $1 मिलियन का USDT चाहिए था उसको कंप्लीट करने के लिए, और उसकी जो टोटल तादाद थी नोट्स की वो दोस्तों 100 नोट थी। और आपने देखा था हर बंदे ने जिसने भी वो नोट्स बाय किया, बाय करने के बाद आपको ये थोड़ा सा नोड बेनिफिट एक्सप्लेनेशन है, आप अगर चाहें तो इसके ऊपर क्लिक करके इसको रीड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि जिन जिन लोगों ने नोट्स को बाय किया है उनका क्या बेनिफिट है। अब नोड के ऊपर जो दोस्तों जिसने फुली इसको सब्सक्राइब किया है उसका बेनिफिट क्या है, जिसने नोड को क्रिएट किया, उसका दोस्तों जो FTC पर डे का जो रिवार्ड बनता है वो 5.47 FTC पर डे बनता है। और जो सब्सक्राइबर हैं, हम जैसे लोग हैं जिसने $1 लाख से किया, उसका 2.43 FTC पर डे बनेगा। जिसने $10,000 से सब्सक्राइब किया उसका 0.424 FTC पर डे बनेगा। जिसने $1,000 से किया 0.024 FTC पर डे बनेगा। दोस्तों क्रिएटर ऑफ नोड की बात करें तो जिसने नोट को क्रिएट किया उसका मंथली का 164.16 FTC पर मंथ बनेगा, और जिसने $1 लाख से सब्सक्राइब किया उसका 72.96, और जिसने $10,000 से किया 7.29 FTC पर मंथ बनेगा, और जिसने $1,000 से किया उसका 0.72 FTC पर मंथ बनेगा। दोस्तों ये नोट का डिस्ट्रीब्यूशन है कि किस तरीके से ये नोट्स काम करेगा, और आपने देखा कि जिस तरह हमारा माइनिंग स्टार्ट हो चुका है, जैसे ही सब्सक्राइब हो गए हैं कम्प्लीटली माइनिंग स्टार्ट हो गया है और FTC का जो लिस्टिंग है पनकेक ऊपर हो चुका है, बट वी हैव नीड टू बी वेट, और फिनस्वैप एट द एंड ऑफ द जून इस महीने के आखिर में लॉन्च हो जाएगी, और हमें जो कंपनी का प्रोवाइड किया हुआ एड्रेस होगा वो मिल जाएगा, उसके थ्रू दोस्तों हमारा जो भी प्राइस होगा FTC का हम उसको बाय भी कर सकेंगे और उसको सेल भी कर सकेंगे। कंपनी क्या करेगी, डेली बाय बैक FTC करेगी फ्रॉम द एक्सचेंजेस फॉर रेफर प्रोग्राम रिवार्ड सिस्टम। अभी क्या करेगा, मुझे लगता है कि इस महीने के एंड तक इनका जो लैंडिंग बोरोइंग निज़ाम है वो भी स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अभी देखिए तो अब हम किस तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं, वी डोंट नो हाउ वी कैन स्टार्ट दिस बिजनेस बिकॉज वी हैव ओनली जस्ट सुपर नोड्स ऑलरेडी बिक चुके हैं, उसमें सब्सक्राइब नहीं करता, पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। तो नए लोगों के लिए ज़रूरी है कि एक नया निज़ाम होना चाहिए, तो वो निज़ाम क्या होगा कि अपना लैंडिंग बोरोइंग स्टार्ट करेंगे, अपना जो FTC कॉइन है उसको डिफरेंट एक्सचेंज पर लिस्ट करेंगे, हम लोगों को FTC कॉइन बाय करके यहाँ पे लैंडिंग बार में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये दूसरा ये जो इसका सिस्टम हमारे बारों के दोस्तों, इसमें FTC का रेफर प्रोग्राम है, उस रेफर प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए हर यूजर के पास क्या है कि 0.1 FTC होना वैलेट में ज़रूरी है। अब जिसके पास 0.1 वैलेट जरूरी नहीं होगा वो हमारा जो लेवल कमीशन है उसको अर्न नहीं कर सकेगा। दोस्तों इसमें जो लेवल बोनस है 2 लेवल्स का लेवल इनकम है, फर्स्ट लेवल पे वही 15% है, बट अगर हम FTC के वैल्यू की बात करें तो 0.15% डायरेक्ट FTC की वैल्यू के ऊपर आएगा, और सेकंड लेवल पर 0.10% इनडायरेक्ट जो FTC वैल्यू के ऊपर आएगा।
और इसी तरह दोस्तों इसके रैंक हैं, जीएम है, वीपी है, एसवीपी है, ईडी है, एमडी है, और सेम रैंक हैं एमडी प्लस, एमडी प्लस प्लस और एमडी ट्रिपल प्लस। अब दोस्तों किस तरीके से हम यही अर्न कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं, सेम है दोस्तों कंडीशंस जैसा हमारा लैंडिंग बॉरोइंग में था। अब जीएम बनना है तो उसके लिए 5 डायरेक्ट होना जरूरी है और उसकी टीम के अंदर 50,000 यूएसडीटी का वॉल्यूम होना जरूरी है। इससे आपको उस टोटल ग्रुप के एफटीसी के लिए 0.2% मिलता रहेगा। वीपी के लिए आपको 0.3% मिलता रहेगा। 2 जीएम का होना जरूरी है 2 डिफरेंट लेग्स के अंदर, और आपका जो टोटल वॉल्यूम है वो $150,000 का होना चाहिए, और इस पे आपको 0.3% आपके ग्रुप के टोटल एफटीसी वैल्यू का मिलता रहेगा। एसवीपी के लिए 2 वीपी का होना जरूरी है और $500,000 का बिजनेस होना जरूरी है, और 0.4 का आपको 0.4% आपके ग्रुप के एफटीसी वैल्यू का मिलता रहेगा। ईडी के लिए दोस्तों 2 एसवीपी का होना जरूरी है 2 डिफरेंट लेग के अंदर, और आपका $2 मिलियन के बराबर होना चाहिए, और आपको 0.5% आपके टोटल ग्रुप के एफटीसी वैल्यू का मिलता रहेगा। एमडी के लिए दोस्तों 2 ईडी का होना जरूरी है और आपका $6 मिलियन का बिजनेस होना जरूरी है, 0.6% आपके ग्रुप के एफटीसी वैल्यू का मिलेगा। दोस्तों इसी तरह जो आपका सेम रैंक सिनेरियो है, रिवर्स आपका क्या होगा, बेस्ट क्योंकि आपका सेम रैंक आपका भी जीएम है, आपके डाउन में कोई जीएम आ जाता है तो आपको उसके टोटल रिवार्ड का 20% मिलता रहेगा। सेम सिनेरियो है दोस्तों, सेम इसका जो प्रोजेक्ट है वो सेम तरीके से है कि जिस तरीके से हमारा जो लैंडिंग बॉरिंग था उसी तरीके से काम करता है। अब दोस्तों इसमें आप एमडी प्लस 1 बनते हैं, एमडी प्लस 2 बनते हैं, प्लस 3 बनते हैं, तो कंपनी के शेयर्स का आपको 0.01%, 0.02% और 0.03% आपको शेयर्स पूरी कंपनी से एफटीसी जितना भी माइनिंग होता है उसकी वैल्यू का मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों ये सिस्टम छोटा सा प्रेजेंटेशन था इस सिस्टम का, और आपने इसको अच्छे तरीके से सुना, और इसके दोस्तों देखिए पिंटोज आज दुनिया के ऐसी वजह जरूर है इसके पीछे है, इसका एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम। तो दोस्तों इस इकोसिस्टम को समझने की कोशिश कीजिए, आज आपको टीम बनाने का जरूरत नहीं है, आप अभी बैठ के सबसे अपना टीम का कीजिए, अपने टीम को संभालिए, इधर उधर भटकने से संभालिए, उनको सही गाइड कीजिए, उनको देखिए। मैं यही बात हमेशा कहता हूँ कि एक बार आप सिस्टम को पिंटोज को मुकम्मल तौर पर लाइव होने दीजिए, फिर आप खुद बोलेंगे वी हैव फाउंड एट लीस्ट प्रोजेक्ट दैट इज गोइंग टू गिव अस अ वेरी बिग प्रॉफिट। तो यहाँ पे पूरी जिंदगी आप यहाँ से पैसा ले हैं, ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है, आपकी लाइफ है। तो दोस्तों आपके है बहुत जल्द अभी जो नए अपडेट्स हैं वो ये है, पुराने अपडेट्स वही सेम है, नए अपडेट्स ये है कि 0.1 सेंट फिर मेरे मुंह से बात सुन वो क्या कहते हैं, ही 0.1 पे लिस्ट किया जाएगा। अरे पागल इंसान के बच्चे, पीछे जो बिटकॉइन लिस्ट हुआ था 1 रुपए का 10 बिटकॉइन आता था, इथेरियम जब लिस्ट हुआ था 0.002 पे लिस्ट हुआ था, बिनांस स्मार्ट चेन का बीएनबी 0.022 सेंट लिस्ट हुआ था, किसी एक कॉइन का नाम बताओ सोल 0.02 सेंट पे लिस्ट हुआ था। जितना बड़ा बड़ा कॉइन है, जितना बड़ा बड़ा कॉइन है, क्या वो $100 पे लिस्ट हुआ था? अरे वो भी तो 2 सेंट पे लिस्ट हुआ था। अगर आज ये 10 सेंट पे लिस्ट हो रहा तो क्या हो गया, पहले दिन आप इसकी प्राइस में एक बूम देखेंगे, एक बहुत बड़ा बूम देखेंगे। तो दोस्तों इस चीज को बुरा मत समझिए, देखिए आज अगर थोड़े प्राइस को लिस्ट कर रहे तो क्या होगा, उसके अंदर हम लोगों ने चीज डाल के उसको $1,000 लेके आया। तो लिस्टिंग होने पिंटोच क्या है बेसिकली, और एक पिंटोच का सारा प्रोजेक्ट लाइव हो जाएगा, फिर उन सब सारे लोगों का मुंह बंद हो जाएगा। दोस्तों आप अपने मन में एक थोड़ा सा इस सिस्टम को कंप्लीट लाइव होने का थोड़ा सा सुकून से आराम से इत्मीनान का वेट कीजिए। एक बार सिस्टम लाइव हो जाए दोस्तों, अब देखेंगे कैसे डॉलर्स का अंबार लग जाएगा आपके वैलेट में। तो दोस्तों इसके साथ ही मैं आज का प्रेजेंटेशन यहीं पे ख़त्म करूँगा, और अगर किसी भी भाई का कोई भी क्वेश्चन है तो हमारे क्वेश्चन आंसर सेशन में भी सेंड कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।